अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़। आदाब नाजरीन, शहर हैदराबाद राजेंद्र नगर डिवीज़न के हनुमान नगर बस्ती में AIMIM राजेंद्र नगर इंचार्ज जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग ने पैदल दौरा करके आवाम की तकलीफ़ों को सुना, जिसमें मुकामी लोगों ने बताया पिछले 40 साल से हनुमान नगर के बस्ती को ना रोड डाला गया, ना सीवरेज लाइन डाला गया, ना वाटर लाइन डाली गई। पूरी राजेंद्र नगर में सिर्फ इनकी बस्ती का डेवलपमेंट के काम से नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस मौके पर इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग ने मुकामी लोगों की तकलीफ़ को जल्द से जल्द ऑफिसर्स के सामने रख कर उसको पूरा करेंगे कहा। इस प्रोग्राम में AIMIM राजेंद्र नगर डिवीज़न लीडर जनाब शेख रियाज दशरथ, पार्ट टाइम वेंकटैया, शेख अकबर, मोहम्मद फेरोज़ भी मौजूद थे। आइए देखते हैं जफरुद्दीन की यह रिपोर्ट। देखो रियाज भाई, अन्य बड़े शुरू भाई बड़ी ग्रुप फोटो ले लेंगे पूरे यहाँ ग्रुप फोटो ले लो। हनुमान नगर में तफसीली दौरा किया हूँ, जो कि ये एरिया सलम एरिया है और यहाँ पे हमारे दलित भाई रहते हैं। और कई सालों से तकरीबन अभी मैं मालूम किया ये बस्ती 40 साल पुरानी बस्ती है, यहाँ पर पीने का पानी तक नहीं है। आज इस सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर, और ये लोग के पूरे कंप्लेंट भी नोट किए हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरशर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर पहले यहाँ पर पानी की लाइन डाली जाएगी, उसके बाद सीवरेज लाइन और उसके बाद रोड का काम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर, जो कि हमारे यहाँ पर दलित भाइयाँ जो रहते हैं और मैं हमारी दलित बहनों से भी मिला हूँ यहाँ पर, वो लोग भी काफ़ी परेशान है पानी के तालुक से, जो कि पानी यहाँ पर नहीं है, टैंकरों से सरबराह किया जाता है। और ये राजेंद्र नगर बस्ती है, ये इतनी पुरानी बस्ती है, यहाँ पर अफसोस की बात है, यहाँ पर कई बार मुकामी रुकने असम्बली के पास भी ये लोग गए, मगर आज तक 15 साल में मुकामी रुकने असम्बली ये दलित बस्ती में रुख नहीं किए, यहाँ पर आके दौरा नहीं किए। बराबर मैं सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर यहाँ पर आया हूँ, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है इंसानी बुनियादों के ऊपर अपना काम करते हुए एक रिकॉर्ड रखती है। बराबर यहाँ पर भी सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर वाटर लाइन हो या सीवरेज लाइन हो या रोड का काम हो हम डालेंगे यहाँ पर। और एक एक चीज़ जो कि यहाँ के जिम्मेदारान लोग भी है और हमारे रियाज भाई जो हाल ही में मजलिस में शमूलियत किए हैं, मैं उनको भी बोलना चाह रहा हूँ कि बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है, आप खुल के काम करिए, किसी से डरने और घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। और मजलिस की तारीख है हमेशा मजलिस अवामी मसाइल को हल करने के लिए जद्दोजहद करती है और बराबर वो काम करवाती है। इस मौके के ऊपर फिर से एक बार मैं यहाँ की आवाम को भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, बराबर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर नुमाइंदगी के ऊपर यहाँ का डेवलपमेंट वर्क हम करवाएंगे। और एक एक चीज़ यहाँ पर आजूक बाजूक भी जो कॉलोनीस है वो कॉलोनी में हर चीज़ की सहूलत है, जो कि ये कदीम बस्ती है, इससे हटके हाल हाल में जो बस्तियाँ यहाँ पर है वो बस्तियों में
हर चीज़ की सहूलत है, मगर यहाँ पर हमारे दलित भाई रहते हैं। और एक चीज़ मैं अंबेडकर साहब के जो मुजस्मा है उसके ऊपर भी मैं फूल चढ़ाया हूँ, और यहाँ पर पूरे दलित भाई रहते हैं उनको सहूलत पहुँचाने के लिए बराबर हम सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पर यहाँ काम करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।